गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, अपने लाइफ में खुश होंगे। मैं भी अपने लाइफ में खुश हूँ, अच्छी हूँ। और आज मैं तबीयत ख़राब होने के बाद पहली बार ऑटो लेके जा रही हूँ। 1.5 महीना से मेरा जो काम है वो बंद था और आज फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। और अभी सुबह का 6:15 बजा हुआ है और मैं इतने जल्दी इसलिए निकल गई हूँ क्योंकि मेरे जो कस्टमर थे सब्जी मंडी में, तो सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से लगती है, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी निकल गई और जल्दी ही आ जाऊँगी ऐसा सोच के निकल गई जल्दी से। तो अभी दोनों साइड मेरे जो दिख रहे हैं आपको हरे हरे पेड़ पौधे, तो ये रास्ता बीच में पड़ता है और मैं आप लोगों को पूरा ऑटो इसीलिए नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि जो मैं एक हाथ से है जो है वीडियो शूट करती हूँ और एक हाथ से ऑटो चलाती हूँ, तो उतना अच्छे से नहीं बनता। और दोनों साइड जो है ना पेड़ पौधे लगे हुए हैं, अच्छा लगता है बीच में से जब जाती हूँ मैं तो फिर वहाँ जाने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि वहाँ की सिचुएशन क्या है। और कई दिनों के बाद जाओ ना तो थोड़ा सा मन में जो है हिचकिचाहट रहती है, पर समझ भी आ जाता है कि चलो काम बंद की है फिर जाओ, तो थोड़ा सा मतलब हिचकिचाहट होती है तो वो जल्दी से दूर भी हो जाएगी 2-4 दिनों में। और मेरे साइड में आप देख रहे हैं बहुत बड़ा सा नहर है, अगर मेरे पास भी कोई वीडियो शूट करने वाला होता ना तो मैं ज़रूर से आपको नहर दिखाती। और दोस्तों अभी मैं मंडी में आ गई हूँ और मंडी में आने के बाद में आप देख सकते हैं सभी लोग आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है और सब लोग मुझे मिस कर रहे थे, मुझे बोल रहे थे कि आप इतने दिनों से कहाँ थी, और बहुत लोग याद कर रहे थे, तो ये जान के अच्छा लगा मुझे कि सभी लोग याद कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी मैं रेलवे स्टेशन में आ गई हूँ मंडी के बाद में, तो यहाँ का भी माहौल अलग ही है। गई थी तो सुबह ना 6 बजे चले गई थी घर से और उसके बाद जो है मैं जल्दी से घर भी आ गई 12:30 बजे। उसके बाद अपना नहा धो के खाना पीना खाई, थोड़ा सा रेस्ट की, उसके बाद में अभी शाम की डेली रूटीन स्टार्ट हो गई है। तो मैं कटहल की सब्जी बनाने जा रही हूँ और क्या है अभी बारिश हो रहा है तो मैं अंदर शूट नहीं कर पा रही हूँ, आंगन में आके बाहर में शूट कर रही हूँ। लाइट गोल हो गया है तो बहुत अभी बारिश हो रही है और अभी थोड़ा सा कम हुआ इसलिए मैं बाहर में आई हूँ। और जो बादल की गड़गड़ाहट है वो भी बहुत ज़्यादा है और जिनके घर टीने के हैं उनके घरों में आवाज़ भी बहुत होती है, तो मेरा घर टीना का है इसलिए आवाज़ ज़्यादा होती है। और आप देख सकते हैं ये मौसम कितना सुहाना है, हर तरफ मतलब मेरे घर में जो हरियाली लगी हुई है, मेरे घर में पेड़ पौधे लगे हुए हैं वो एकदम बहुत ज़्यादा हरे हरे दिख रहे हैं और हर तरफ का मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है लगने को। बारिश आ रही है तो थोड़ा सा अलग लग रहा है पर अच्छा लग रहा है। तो आइए मैं आप लोगों को सामग्री भी दिखा देती हूँ कि मैं कटहल की सब्जी में जो है क्या क्या सामग्री डालती हूँ, तो आप सब भी देख लीजिए और मेरे स्टाइल में एक बार ज़रूर बना के देखिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने सब्ज़ी बनाई तो आपको कैसी लगी। तो चलिए सामग्री की तरफ चलते हैं। दोस्तों मैं कटहल की सब्जी में गीले मसाले में 4 ये हरी मिर्ची ली हूँ और बाद में लाल मिर्च भी ऐड करूँगी और थोड़ा सा अदरक और ये 5-6 कली लहसुन की है और मीडियम साइज़ का 1 प्याज कट कर ली हूँ मैंने। और सूखे मसाला में मैं ली हूँ मेथी दाना, 1 इलायची, 2 लौंग और 3 जो है काली मिर्च है और धनिया फली थोड़ा सा और जीरा गोंदड़ा तेजपत्ती और जावेत्री और थोड़ा सा हल्का सा इसका दालचीनी का टुकड़ा ली हूँ और ये हम लोग करंग फूल बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। और ये जो है 4 टमाटर ली हूँ मैंने और ये कटहल है जो आज मैंने मार्केट से ख़रीद के लाई हूँ और इसमें ना बड़े बड़े पीस हो गए हैं, पीस है तो इनको मैं थोड़ा छोटा छोटा कर लूँगी। और ये जो सारे मसाले हैं उनको मैं कढ़ाई में डाल के भून लूँगी, बिना तेल डाले ही मैं भूनती हूँ, तेल डाल के नहीं भूनती और कई लोग के हाथ तेल डाल के भी भून लेते हैं, तो आपको जैसा अच्छा लगा वैसे भून लीजिएगा। तो मिलते हैं आगे हम लोग आप लोग। दोस्तों
दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने गैस में कढ़ाई गरम करने रख दी हूँ और कढ़ाई में तेल नहीं डाली हूँ, अभी खाली ऐसे ही भूंज रही हूँ। और जो मैंने कच्चे मसाले काट के रखे थे, मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक, उनको भून ले रही हूँ और ज़्यादा नहीं भूंजूंगी, बस इतना ही भूंजूंगी उनको कि उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। और अभी आप देख सकते हैं मेरे लहसुन, प्याज और अदरक ये भुना गए हैं और कढ़ाई में थोड़ा सा चिपचिपापन, मतलब कालापन दिखाई दे रहा है क्योंकि खाली इसके भुनी हुई, इसीलिए वैसे दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं इनको निकाल दे रही हूँ। और दूसरे जो मेरे सूखे मसाले हैं, तेजपत्ती है और ये गोंदड़ा है, उनको भी भून ले रही हूँ साथ में। और ये दोनों जो है वो एक साथ भूनने में कोई परेशानी नहीं होती है। और बाकी के जो मसाला है, जैसे जीरा अगर इनके साथ डालती तो जल जाता है, इसीलिए अलग से भूनूंगी उनको। तो दोस्तों इस तरह के मेरे मसाले जो है भुना गए हैं और सभी मसाले को मैंने कच्चापन बस निकाला है और बाद में और भूनना पड़ेगा इनको, इसीलिए ज़्यादा नहीं भुनी हूँ। और उसी कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने रख दी हूँ ताकि जो भी कटहल है मेरे पास में उनको भून सकूँ उसमें। तो मेरा तेल गरम हो गया है और मैंने कढ़ाई में कटहल डाल दी हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सामने आप देख रहे हैं कितना बारिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। और बारिश होने के कारण जो है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी। मेरा घर जो है वो टीना का है तो उसमें आवाज़ अच्छे से नहीं आती, और अच्छे से नहीं आने के कारण फिर मैंने दोबारा से वॉइस ओवर किया हुआ है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कटहल जो है मेरे सभी डाल के हो चुकी है कढ़ाई में, और मैं इसको चम्मच चला के ऊपर नीचे कर दूंगी ताकि एक ही जगह का बैठे ना कढ़ाई में। तो सभी कटहल को मैं ऐसे ही भून लूँगी। ये देखिए दोस्तों मेरी कटहल जो है इस तरह से भुनाई हुई है, और अभी पूरी अच्छे से नहीं भुनाई हुई है तो कढ़ाई में चिपके ना, इसलिए बीच बीच में इसमें चम्मच चलाते रहना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है, और अभी शाम के 6:30 बज गया है तो बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। 4:30 बजे से चालू हुई थी फिर भी बंद नहीं हो रही है। और अब हम कढ़ाई की ओर आ गए हैं दोस्तों, और हम अपनी कटहल को भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कैसे हुई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कटहल जो है अच्छे से भुना गई है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और दूसरे बर्तन में निकाल देंगे। तो दोस्तों मैंने कटहल को मतलब निकाल दिया बर्तन में, उसके बाद में मैं आज मार्केट से भुट्टा लेके आई थी क्योंकि कई दिनों के बाद मैं मार्केट भी गई थी और मुझे लगा नया सीजन का ये आया है तो भुट्टा आया इसीलिए खरीद लेना चाहिए करके। तो मैंने फिर 2 भुट्टे खरीद लिए वहीं से, तो उसी को अभी भून रही हूँ। और बच्चे लोग भी ना नया चीज़ देखते हैं तो उनका मन जो है वो अच्छा हो जाता है, तो खुश भी हो गए मम्मी भुट्टा लेके आई ऐसा करके। तो अभी मैं गैस में ही भून रही हूँ क्योंकि मेरे पास में चूल्हा नहीं है, चूल्हा तो है पर उसमें आग नहीं चलाती हूँ, तो इसीलिए गैस में ही भून रही हूँ। थोड़ा कम इसमें करके गैस में भून रही हूँ, गैस में इतना अच्छे से नहीं भून जाता, तो फिर भी कोशिश की कि भुना जाए करके। तो ये देखिए मेरा भुट्टा जो है ऐसे भुना गया है, बस अब ऐसे ही रखूँगी मैं, इसके बाद में बंद कर दूँगी गैस को, थोड़ा सा और भूंज लेती हूँ अलट पलट करके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं अभी कटहल को निकाल रही हूँ कढ़ाई से दूसरे बर्तन में, और फिर उसी कढ़ाई में तेल गरम करने रख दूँगी। ये देखिए मैंने पलट दिया कटहल को कटोरा में। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने उसी कढ़ाई में तेल गरम करने रख दी हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह सरसों तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं मतलब जो तेल यूज़ करती हूँ उसी को का यूज़ की हूँ। और तेल गरम हो चुका है मेरा, तो अभी इसमें मैं मसाला डाल दे रही हूँ। जो मैंने खड़े मसाले तैयार किए हुए थे भून के, तो उसको मिक्सी के इसमें पीस ली हूँ। आप मिक्सी की जगह इसमें भी पीस सकते हैं सिलपत्थर में, उससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा, पर मैं मिक्सी में ही पीसी दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मसाला को मैं थोड़ा सा भून ले रही हूँ, और इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, जो भी मेरे इसमें जार में चिपका हुआ मसाला है उसको सबको निकाल लूँगी। निकालने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल के धो लूँगी पूरा मसाला निकल जाए ऐसा करके, और पानी भी डाल दूँगी ताकि मसाला जो है वो जले ना इसीलिए। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी मिर्ची पाउडर, आप अपने स्वाद अनुसार मिर्ची पाउडर ऐड करिएगा। मैंने पहले भी 4 मिर्ची ऐड की हुई थी हरी वाली, तो अभी मैं अपने स्वाद के अनुसार ही इसमें मिर्ची पाउडर ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद हल्दी पाउडर ऐड कर दे रही हूँ, और फिर नमक भी ऐड कर दे रही हूँ। आप स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर दीजिए, मैं अपने स्वाद अनुसार ही नमक ऐड कर रही हूँ।
दोस्तों ये मसालों को जो है मैं अच्छे से भून लूँगी थोड़ा सा, और जो भी चिपकता है मसाला तो उसको चम्मच से करके निकालते जाऊँगी और गैस को थोड़ा कम कर दूँगी। और मुझे हाँ थोड़ी सी जल्दबाजी है ऐसा लगता है क्योंकि बारिश आ रही है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी बना लूँ करके, तो इसीलिए मैं ना वहीं पे टमाटर भी ऐड कर दे रही हूँ और आप भी कर सकते हैं, साथों साथ दोनों भुजा लाएंगा मसाला। तो ये देखिए दोस्तों मेरे घर में बहुत ज़्यादा पानी टपक रहा है पूरा ऊपर से, और मैं जहाँ किचन में खाना बना रही हूँ ना वहीं पे टपक रहा है, तो मुझे खाना बनाते बन नहीं रहा है, इसीलिए मेरे हस्बैंड जो है वहाँ पे टीना लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड जो है दूसरा वाला टीना लगा दे रहे हैं ताकि जो पानी है किचन की जगह से खाना जहाँ बनाती हूँ वहाँ से हट के गिरे, तो इसीलिए थोड़ा सा टीना लगा दे रहे हैं। हमारे घर में बचा हुआ पहले से टीना है तो उसी को वहाँ पे सेट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप, मेरे हस्बैंड ने जो है टीना लगा दिए हैं, थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी सी तो हो ही जाएगी। तो दोस्तों देखिए ये मसाला मेरा इतना पक चुका है, और इसके बाद में मैंने जो कटहल भून के उस कटहल को डाल दूँगी यहाँ पर ताकि अच्छे से कोट हो जाए कटहल में मसाला। तो ये देखिए मैंने कटहल डाल दिया है और इसमें इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मिक्स कर ले रही हूँ मैं ताकि मसाला जो है वो कटहल में अच्छे से कोट हो जाए, और उसके बाद मैं थोड़ा सा भूनूंगी इसको 5-10 मिनट के लिए, फिर हमारी कटहल की सब्जी जो है वो रेडी हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये मसाला को मैंने अच्छे से कोट कर दिया कटहल में, और ढक के थोड़ा सा ये देखिए ढक दी हूँ, और गैस का फ्लेम जो है मैं हाई से लो कर दे रही हूँ ताकि मसाला और कटहल जो है वो चिपके ना। तो अभी इसके हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे, और बीच बीच में हम लोग इसको चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जो कटहल और ये मसाला है वो चिपके ना। दोस्तों ये देखिए मैं मंडी गई थी आज और ऑटो लेके गई थी, वहीं से भुट्टा भी खरीद के ला ली, और आज बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो भुट्टा खाने का मज़ा कुछ और ही आएगा, और नींबू भी ले ली हूँ मैं उसके साथ में, और मिर्ची पाउडर और नमक मिला दी हैं, और खाने के लिए बच्चे लोग रेडी बैठे हैं कब मिले। और ये देखिए मोहक जो है मुँह खोल रहा है और केशव अपनी बंदूक से खेल रहा है, और उनके पापा जो है वो भी बैठे हैं यहाँ पे, और ये देखिए हमारा भुट्टा कितना अच्छे से भुना है, और मैं अंगार का यूज़ नहीं की इसको गैस ही में भुनी हूँ इसीलिए इतना मतलब अच्छे से नहीं भुनाया है, फिर भी कोशिश की कि अच्छे से भुनाएँ। तो सभी लोग खाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो दोस्तों ये देखिए मेरी कटहल की सब्जी जो है वो रेडी हो रही है, और दिखने में भी कितना अच्छा दिख रही है ये देखिए, और ऐसे करके थोड़ा सा भूनेंगे इसको 5 मिनट में, और बीच बीच में हम ना इसको चम्मच चलाते जाएंगे ताकि जो मसाला है वो चिपके ना, और फिर हल्का सा पानी डाल देंगे इसमें, जो अगर इसमें ग्रेवी चाहते हैं तो अपने हिसाब से 2 गिलास पानी डाल सकते हैं और 3 गिलास भी डाल सकते हैं, पर मैं सूखा बनाऊंगी इसको इसीलिए ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करूंगी, और मसाला बस अच्छे से भून जाए और कटहल में मिक्स हो जाए ऐसी ही पानी डालूंगी मैं इसमें। तो और 5 मिनट के लिए भून लेते हैं इसको, उसके बाद में जो है मैं ये करूंगी पानी डालूंगी। तो दोस्तों पानी डालने के पहले एक बार चम्मच चला के देख लेते हैं जो भी मसाला चिपकाऊंगा नीचे में वो अच्छे से निकल जाए, इसीलिए एक बार चम्मच चला लेते हैं। और आप देख सकते हैं सब्जी का जो कलर है वो कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छी दिख रही है दिखने में। और अभी मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ, मैं सूखी सब्जी बनाऊँगी इसीलिए 1 गिलास ही डाल रही हूँ, और आप ग्रेवी वाली चाहते हैं तो इसकी जगह 1 गिलास की जगह 2-3 गिलास भी ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रेवी चाहते हैं। तो मैं बस सूखा बनाने वाली हूँ इसीलिए कम ही डालती हूँ, और बस इतना पानी डाली ताकि जो भी कटहल है वो अच्छे से पक जाए और मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाए, बस उतना ही पानी डाली और गैस को थोड़ा कम कर देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मेरे हस्बैंड जो है भुट्टा के दाने छील लिए हैं और उसमें मिला रहे हैं नींबू और जो मिर्ची और नमक का पाउडर तैयार की हैं उसको डालेंगे भुट्टे के दाने में, और हम लोग ऐसे ही खाएंगे, बीजा निकाल के ही खाते हैं, ऐसा मतलब
खड़ा भुट्टा नहीं खाते क्योंकि बच्चे लोग जो है वो भी उसका छिलका खा लेते हैं, इसीलिए ऐसी दाने निकाल के खाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए बच्चे लोग खाने के लिए निकालते जा रहे हैं क्योंकि बच्चे हैं, उनको ज़्यादा मना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरे हस्बैंड जो है वो भुट्टे के दाने को मिला ले रहे हैं अच्छे से ताकि सभी में नमक मिर्ची लग जाए और नींबू जो डाले हैं वो लग जाए। तो ज़्यादा मिर्ची का यूज़ मत करो, बच्चे भी खाएंगे, मत करो ज़्यादा, तीखा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे लोग कितना ये कर रहे हैं। और आज ना मतलब पहला भुट्टा है जो अभी सीजन में आया हुआ है तो उसी को मैं लेके आई हूँ, इसके पहले नहीं आया था। आम ज़्यादा लेके आ रहे थे, आम भी लेके आई पर मैं सोची कि नया जो है दिख रहा है भुट्टा, दो चार लोगों के पास में था तो मैं लेके आ गई फिर से, और मैं बोली इसका भी मज़ा ले लिया जाए। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए भुट्टा, हम तो खा ही रहे हैं, आप भी खा लीजिए हमारे साथ में। तो दोस्तों मैंने ये धनिया पत्ती ले लिया है और अब इसको बारीक बारीक काट लूँगी, और मेरे पास में भी धनिया पत्ती थोड़ा ज़्यादा है इसीलिए ज़्यादा ले ली हूँ। आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं और है तो डाल भी सकते हैं। तो अभी धनिया पत्ती काट के मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी सब्ज़ी जो है वो कैसे बनी है। तो ये देखिए दोस्तों मेरा धनिया पत्ती काट के हो गया और अब हम सब्ज़ी खोल के आपको दिखा रहे हैं हमारी जो सब्ज़ी है वो कैसे दिख रही है। ये देखिए कितना सुंदर सा कलर आया हुआ है, और ये जो दिखने में है ये अच्छी दिख रही है ना, कलर जितना अच्छा है टेस्ट भी उतना ही अच्छा है दोस्तों। ये देखिए आप अगर गरम मसाला खाते हैं तो डाल सकते हैं, और मैंने मसाला का यूज़ की थी इसीलिए मैं गरम मसाला नहीं डालूँगी और ये धनिया पत्ती डाल दे रही हूँ। और मेरे हस्बैंड को भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं है ज़्यादा मसाला का सब्ज़ी, इसलिए ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। तो ये हमारी जो सब्ज़ी है वो बन के रेडी हो गई है, ये देखिए। और हम अब एक बार इसको चम्मच चला देंगे ताकि धनिया पत्ती जो है वो मिक्स हो जाए अच्छे से। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ऐसी कटहल की सब्ज़ी बनाए हैं क्या, और बनाए हैं तो कैसा है टेस्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हम लोग तो ऐसा ही कटहल बनाते हैं, खाने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। और मेरे घर में मेरे बच्चे लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते कटहल की सब्ज़ी, इसीलिए मतलब बहुत ये करती हूँ पर मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं लेके आती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं सब्ज़ी जो है वो कितना अच्छी दिख रही है, और आप ऊपर से गरम मसाला डाल दीजिएगा। तो मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन जो होता है उसे भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ।